morning, Le. चलो आज आज निकल सुके नहीं क्या दोस्तों हम निकल रहे हैं यहाँ से कर्जक सो मोरी के लिए, देखते हैं आगे रास्ता कैसा है। बेसिकली खारदुंगला थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो हम अवॉइड कर रहे हैं, रिटर्न में निकलेंगे वहाँ से डिस्किट हो गए। भाई तो पेट्रोल बहुत लिया है, पेट्रोल देखो पेट्रोल, आ हा 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 कितना है, 20 40 40 और 40 80 कितना हुआ भाई पेट्रोल तेरे गाड़ी में? पता नहीं, गिन लो यार, मैं गिन लो 120 135 ऑलमोस्ट 200 लीटर कैरी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सोमोरेरी भी नहीं मिलने वाला है यहाँ से, वहाँ से आगे हानले भी नहीं मिलता है, फिर देखते टांग से तक मिल जाएगा कुछ। ठीक है, अब निकल रहे हैं यहाँ से आगे। चंदूलाल, हाँ बोलो ना। बाय द वे इज द पर्सन हु जॉइंड अस फ्रॉम द ले, निर्मल भाई एंड चंदू भाई साहब है ना, बड़े साहब लोग होते हैं ना अक्सर बाद में ही आते हैं, बड़े साहब लोग है भाई ये। May 19 आठवां दिन और ये शुरुआत थी हमारी, क्योंकि हम लोगों को जाना था रेगुलर सर्किट करते जैसे बाकी राइडर्स, वैसे ही हम लोग करने वाले थे ले से लेके डिस्किट खारदुंगला, खारदुंगला से डिस्किट, डिस्किट से फिर पैंगोंग, पैंगोंग से सोमोरेरी, सोमोरेरी से सोकार होके खारदुंगला होके रिटर्न। तो एज इट इज़ सर्किट करने वाले थे, पर 17 तारीख को रात को जब हम लोग पहुँचे 18 तारीख को, तो मैसेज ये था कि खारदुंगला बहुत ही रात को बर्फबारी हो रही थी, तो दो दिन से ब्लॉक था, तो आर्मी वालों ने एक दिन बंद भी रखा था 6-8 घंटा, तो थोड़ा सा दिक्कत तो था। तो हम लोगों ने फिर फाइनल किया हम लोग पूरा उल्टा सर्किट करेंगे, और उल्टा सर्किट करने का एक लॉजिक ये भी था क्योंकि जब आप ले से खारदुंगला होके नुब्रा होके पैंगोंग, पैंगोंग से आनले सोमोरेरी होके जब रिटर्न निकलते हैं तो डैबरिंग सोकार होके आप डैबरिंग में आउटपुट में निकल जाते हो, और डैबरिंग से ज़्यादातर लोग खारदुंगला विज़िट करके फिर वही मोर प्लेन होके पांग, और पांग से फिर बाराचाला होके किलोंग होके मनाली से रिटर्न सब लोग सर्किट कम्प्लीट करते। पर बाराचाला बंद था, बहुत ही बर्फ़ थी, तो वो भी एक रीज़न था क्योंकि वो ओपन भी नहीं होने वाला था किसी भी तरीके से, तो हमारे दिन बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं था और रुकने का कोई मतलब नहीं था। बाराचाला बंद था और उसका टेक्निकली ओपनिंग डेट कोई आया नहीं था, और हम लोग ओपनिंग सीजन में थे तो फिर ऑलरेडी हम लोग 8 दिन तो हो गया था, और ये सब सर्किट कम्प्लीट करके फिर वही 17-18 दिन हो जाता हमें, तो हम लोगों ने वही कंटिन्यू किया उल्टा सर्किट के लिए। हम लोगों ने तय किया हम लोग ले से निकलेंगे, ले से ओके सोमोरेरी, सोमोरेरी से हानले, हानले से पैंगोंग, पैंगोंग से नुब्रा, और नुब्रा से ले रिटर्न। तो ये पूरा उल्टा सर्किट हम लोग करने वाले थे, और आपको बता दूँ ले सिटी के इर्द गिर्द जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें से है, ठीक से है, सही पैलेस है, बहुत पुराना पैलेस है, 15वीं 17वीं 15th सेंचुरी का बहुत ही पुराना एक पैलेस है, अच्छा सा स्कीनिक व्यू है उसका, और से एक रेंचो स्कूल 3 इडियट वाली जो स्कूल है बहुत ही वेल नोन है जिसके लिए टूरिस्ट आते हैं। तो उसका टेक्निकली जो ओरिजिनल नाम है वो ड्रंक वाइट लोटस स्कूल है, पर उसको ज़्यादातर लोग रेंचो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। वो ले सिटी से जस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से 4 या 5 किलोमीटर पे थिक्से मॉनेस्ट्री है, और पिछले कुछ सालों में आप जब ओपनिंग सीजन में जाते हो लद्दाख तो आपको ये आइस तूपा दिखने को मिलता है, और बहुत ही एक नया इन्वेंशन है जो कि सोनम वांगचुक ने किया हुआ है लद्दाख सेक्टर के लिए। और जैसे आप लोग जानते हो कि लद्दाख जो है वो
हाइट पे आया हुआ एकदम कोल्ड डेजर्ट है, तो पानी की बहुत ही तंगी है। हाँ, पहाड़ी पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी है, ग्लेशियर्स है, पर जब मेल्टडाउन होना शुरू हो जाता है तो पानी बहुत ही जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। तो पानी का एक बहुत ही बड़ा दिक्कत है पूरे लद्दाख सेक्टर में, तो उसी के लिए एक इन्वेंशन हुआ है ये। तो बहुत सी जगहों पे एक आइस तूफा देखेंगे, तो ये जब मई जून तक रहता है तो हम लोग उसी रूट से ले से थिक से खरू से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है पेंगोंग की ओर और दूसरा जाता है तांगंगला। तो हम लोग तांगंगला होके फिर वहीं सोमुरेरी निकलने वाले थे। और अब जब इसी रूट पे जाते हो तो तकरीबन थिक से खरू के बाद थोड़ा सा जो एक स्कैनिक व्यू है बहुत ही बढ़िया है पूरे एरिया में। खरू तक वैसे भी एकदम प्लेन सा रोड है, पर खरू के बाद पूरा स्कैनिक व्यू, पहाड़ी अच्छी है। आप उपसी तक आपको साथ में जो रिवर मिलती है उसे, वो इंडस रिवर है,